मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारा कल का टॉपिक था वो हमने डिजीज के बारे में पढ़ा कि डिजीज किस किस टाइप की होती है। आज हम कुछ कॉमन डिजीज पढ़ेंगे। कॉमन डिजीज में जो सबसे पहली डिजीज है वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, किसकी वजह से वो होता है, उसका नाम है सालमोनेला टाइफी। ये पांचवी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फिफ्थ नंबर पे है। इतनी ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 2.5 मिलियन इंडियंस को ये अफेक्ट करती है। किस एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करेगी? 1 to 15 ईयर की जो एज ग्रुप है उन लोगों को पर ईयर 2.5 मिलियन इंडियंस से अफेक्टेड होते हैं। एपिडेमोलॉजी क्या होता है? एपिडेमोलॉजी होता है कोई ऐसी बीमारी, एपिडेमिक डिजीज, जो एक महामारी का रूप ले लेती है। जैसे कि आजकल कोरोना जो चल रहा है, कोरोना वायरस जो है उसकी वजह उसने भी एक महामारी का रूप ले लिया है कि वो पूरे वर्ल्ड में लोगों को इन्फेक्ट करती जा रही है। ह्यूमन इन्फेक्शन इज मेनली डायरेक्ट। एपिडेमोलॉजी पढ़ेंगे कि टाइफाइड कैसे एक टाइप की महामारी है। ह्यूमन का जो इन्फेक्शन है कैसे होता है, इसमें डायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कैसे? मान लो इन्फेक्टेड फूड है, आपने वो फूड ले लिया। इन्फेक्टेड वाटर है, आपने वो वाटर इनहेल किया है, उससे हो सकता है। डायरेक्ट और ओरल मेथड से हो सकता है। बैक्टीरिया जो है इस डिजीज़ में वो स्टूल के थ्रू फैल सकते हैं। यूरिन जो है जो सॉइल को कंटामिनेट करेगा, जो एक्सक्रीटा है, यूरिन है, वो सॉइल के अंदर जाएगा। सॉइल के अंदर फिर जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे हम फूड लेंगे तो वो हमें डायरेक्टली इन्फेक्ट करेंगे। दे कैन बी कैरिड बाई वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड। ये किसके साथ आता है? या तो पानी से इन्फेक्शन हो सकता है या फूड से इन्फेक्शन हो सकता है। अब आता है इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि कितना समय लगता है किसी बीमारी को इन्क्यूबेट होने के लिए। जैसे अब आप डेली सुनते हो कि 14 दिन में पता लगता है कि कोरोना वायरस ने इस बंदे को इन्फेक्ट किया है या नहीं। इसी तरीके से अगर हम टाइफाइड की बात करें तो उसका इन्क्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 3 वीक लग जाता है इन्क्यूबेट होने में ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक होता है, सर दर्द रहेगा, फीवर होगा, टाइफाइड फीवर इसको हम कहेंगे। टेम्परेचर हर दिन बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सेकंड वीक जो होगा उसमें में टेम्परेचर जो है वो 103 से 104 डिग्री पर आकर रुक जाएगा। और क्या सिम्टम है इसके, और क्या लक्षण है? लिजन हो जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। अब जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो क्या है? हमारी जो इंटेस्टाइन है, आंत जो होती है उसके अपर लेयर को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन करती है। कोई भी आप फूड ले रहे हैं उसके अंदर विलियां प्रेजेंट होती हैं, जो इंटेस्टाइन है हमारी वो विलियां एब्जॉर्ब करती हैं। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है। दूसरा उसका क्या फंक्शन है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट या कोई भी टॉक्सिन्स हैं उनके अगेंस्ट ये क्या करेगा? डिफेंस करेगा। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर लिजन हो जाता है, जख्म हो जाते हैं। और क्या है इसके सिम्टम? हिमोरेगी एंड अल्सरेशन ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी जो आंत है उसके अंदर हिमोरेगी हो जाएगा, रक्त बहने लग जाएगा, रक्त श्राव होने लग जाएगा और अल्सर बन जाएगा, छाले हो जाएंगे इंटेस्टाइन में। रोज कलर रैशेज, जो रोज कलर की रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं चेस्ट के ऊपर, और जो अपर एब्डोमेन पार्ट है, पेट के ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं। फिर आता है रिलेप्स इज वेरी कॉमन इन टाइफाइड। कमजोरी आ जाती है, चीज़ें डिक्लाइन होने लग जाती हैं, कमजोर महसूस करने लग जाते हैं टाइफाइड के अंदर। इसका डायग्नोसिस क्या है? हम इसको नॉर्मली पता नहीं लगा सकते, इसके लिए एक टेस्ट होता है, विजल टेस्ट जो होता है। अगर सेकेंड वीक जो होता है, बताया ना इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक होगा, तो इसका मतलब उसको इंक्यूबेट होने में टाइम लगेगा ह्यूमन की बॉडी में। तो उसको वो टेस्ट कब कर सकते हैं हम? सेकेंड वीक के दौरान हम इस टेस्ट को कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वी आर इन्फेक्टेड फ्रॉम टाइफी और नॉट। अब आता है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि ये एक साइंटिफिक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कैसे हम बच सकते हैं, निरोध कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन करना है ह्यूमन फिशेज का, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है उसको प्रॉपर सैनिटेशन स्वच्छ रखना है। स्क्रीनिंग ऑफ वाटर, वाटर को साफ करते रहना है। फूड सोर्सेज जो भी हैं जहाँ से हम फूड लेते हैं उनका स्क्रीनिंग करते रहना है।
टैब वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी, एक वैक्सीन आती है टैब, इसका है टाइफाइड पैराथायराइड, सॉरी टाइफाइड पैराटाइफाइड एंड बी वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या है, 3 साल में एक बार अगर ले ली जाती है तो 3 साल तक उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को टाइफाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका टाइफोरल वायरल वैक्सीन, एक टाइफोरल ओरल वैक्सीन भी आती है जिसको हम ले सकते हैं, जिसकी वजह से प्रिवेंट हो सकता है टाइफाइड। थेरेपी क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक ड्रग दी जाती है, एंटीबायोटिक होती है, जिसका नाम है क्लोरोमा फेनिकॉल, ऑल्सो इफेक्टिव। ये भी चीज़ें इसके लिए इफेक्टिव हैं, ये भी दवाइयाँ हम, ये भी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, एम्पलीसीन एंड क्लोरोमाइसिटीन। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो निमोनिया। हम जितने भी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, एक हमारा पैटर्न होगा कि हमें पहले कॉज पढ़ना है, उसके बाद एपिडियोमोलॉजी पढ़ना है, फिर इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ना है, उसके बाद सिम्टम्स देखने हैं, उसके बाद थेरेपी देखनी है। तो हम इसको एक दूसरे से कंपीट करके भी, एक दूसरे का कंपैरिजन करके भी हम इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है निमोनिया। सबने सुना होगा कॉमन डिजीज है निमोनिया। निमोनिया के कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कई सारे हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इन सब से हो सकता है निमोनिया। इसकी एपिडेमोलॉजी क्या है, ये एपिडेमिक है, ये डिजीज भी एयरबोर्न होती है, हवा के अंदर अगर मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींक देता है, स्नीज करता है, तो ड्रोपलेट की फॉर्म में एयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो रह जाती हैं। जब कोई हेल्दी पर्सन वहाँ पे जाएगा, ब्रीद करेगा, तो वो इनहेल हो जाती हैं, इनहेल होने के बाद वो उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट करती हैं। तो ये एयरबॉर्न डिजीज है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसमें होता है। बैक्टीरिया अपने सिस्ट जो हैं बना लेता है स्प्यूटम में, स्प्यूटम जो होता है, स्पिट जो होता है किसी पेशेंट का, उसके अंदर सिस्ट बन जाते हैं। वो कहीं भी अगर स्पिट करता है और वहाँ पे कोई भी बंदा रेस्पिरेशन करता है, कोई भी पर्सन रेस्पिरेशन करता है, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड, जो भी पेशेंट है वो जिन यूटेंशियल्स को, जिन बर्तन का यूज़ करता है, जिन चीज़ों का यूज़ करता है, अगर वो हेल्दी पर्सन भी उनका यूज़ करे, तो वो ऐसे भी ट्रांसमिट हो सकती है ये डिजीज़। ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सन में मिलती है, बच्चों में भी मिलती है, जो छोटी एज के बच्चे होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होता है। सिम्टम्स क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ लिम्फ, जो लिम्फ है हमारा उसके अंदर म्यूकस भर जाता है, जो ब्रॉन्चियोल्स हैं उसके अंदर म्यूकस फिल हो जाता है, लिम्फ इकट्ठा हो जाता है एल्वुलाई में, ब्रॉन्चियोल्स में म्यूकस भर जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी रेट, जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा पेशेंट। फीवर होगा, कफिंग होगी, हेडेक होगा, ठंड लगेगी, चिलिंग होगी। लिप्स और नेल्स जो हैं, फिंगर के जो नेल्स हैं, वो ग्रे कलर से ब्लू कलर में बदल जाएंगे। अगर कोई सीवियर केस है, सीवियर केस होता है बहुत ही लास्ट स्टेज पे जो जा चुका है निमोनिया, जिसका उसकी डेथ हो जाती है। प्रोफाइलेक्सिस क्या है इसका, इसका क्या बचाव है, ऐसे पर्सन को, इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। थेरेपी क्या है, पेनिसिलिन और फ्लोक्सेसिलीन, इसको हम देते हैं एंटीबायोटिक। अब हमारी जो थर्ड डिजीज आती है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बहुत सारे वायरसेस होते हैं, रिनो वायरसेस इनको हम कहते हैं। इसकी एपिडेमोलॉजी क्या है, ये भी एक एयरबोर्न कॉमन कोल्ड, जैसे आप लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है, आप जहाँ भी स्नीच करते हैं या फैमिली में किसी एक पर्सन की अगर हिस्ट्री है कि उसे कॉमन कोल्ड है, तो दूसरे जो पर्सन उसके साथ रहते हैं वो भी बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये भी एक एयरबोर्न डिजीज है, ड्रोपलेट की फॉर्म में इन्फेक्शन होगा। फोरमाइट बोर्न, फोरमाइट जो वर्ड है इसका क्या मतलब है कि कंटामिनेशन, जितने भी हम नॉन लिविंग चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टावल, जिन जिन के अंदर ड्रॉपलेट जाएंगी, वो चीज़ जो नॉन लिविंग जितने ऑब्जेक्ट हैं उनको बोलते हैं फॉर्माइट। तो फॉर्माइट से भी ये डिजीज फैलती है। जो जो ऑब्जेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ करेगा, उसको अगर हेल्दी पर्सन भी यूज़ करता है विदाउट सैनिटाइजेशन, तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। अब आता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, कुछ ही घंटे में आप सुबह ठीक थे, आपको 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि आपका गला खराब है, आपको जुकाम हो गया है, तो इसको बहुत कम टाइम लगता है। रिनोवायरसेस को मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही कम टाइम लगता है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके,
अफेक्ट करेगा नाजल एपिथीलियम की, नोज की जो एपिथीलियम लेयर है, अपर लेयर है, उसको ये इफेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथीलियम लेयर को, ये आपकी जो श्वास नली है उसके ऊपर वाली लेयर को इफेक्ट करेगा, लेकिन लंग्स का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है कॉमन कोल्ड। नाजल कंजेशन हो जाता है, नाक रुक जाता है, या फिर डिस्चार्ज ज़्यादा जल्दी होगा। सोर थ्रोट होगा, गले में खराश हो जाएगी, खराश हो जाती है इसमें गले में, हॉर्सनेस हो जाती है, ड्राई फील होता है गला, कफिंग होगी, सर दर्द रहेगा, थका हुआ महसूस करेंगे, 3 से 7 दिन तक ये चलता है। प्रोफाइलेक्सिस क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं, इसमें भी पेशेंट को आइसोलेशन में रहना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरे जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। स्टरलाइजेशन, जो भी आर्टिकल पेशेंट यूज़ करता है उसके बाद उसको स्टरलाइज करना चाहिए, जो अगर कोई दूसरा यूज़ करता है, और पेशेंट को भी उनको स्टरलाइज करके यूज़ करना चाहिए। जो भी क्लोथ्स हैं पेशेंट के वो भी स्टरलाइज होने चाहिए। इसकी भी क्या थेरेपी है, इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं।